मेरे परिवारजनों, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, राजस्थान को लूटो, कांग्रेसियों की तिजोरी भरो, भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए हवा पानी की तरह है, जैसे हवा पानी के बिना कोई रह नहीं सकता, ये कांग्रेस भी उसके बगैर कांग्रेस का काम चल ही नहीं सकता। राजस्थान में कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि हां ऐसी लूट मची है, ऐसी लूट मची है जैसी देश में कहीं और नहीं है, ये उनके नेता बोल रहे हैं। और आप देखिए, यहां के भ्रष्ट अधिकारियों के लॉकर से भारी मात्रा में सोना बरामद हो रहा है। सोना अभी आलू में से बना हुआ सोना है कि लोगों के जेब काट करके बना हुआ सोना है? ऐसे ऐसे मामले सामने हैं जहां सीएम के करीबी अफसर एक साल में दो दो दर्जन फ्लैट खरीद ले रहे हैं। राजस्थान को इस जंगल राज से निकालना बहुत जरूरी है, निकालना चाहिए ना, इस जंगल राज से मुक्ति मिलनी चाहिए ना, राजस्थान को उसका गौरव फिर से मिलना चाहिए ना, इसके लिए कांग्रेस का जाना जरूरी है ना। यहां भाजपा सरकार आने के बाद हर भ्रष्टाचारी पर, सुन लीजिए और जो अपने यहां घर से मुझे सुन रहे वो भी समझ ले, हर भ्रष्टाचारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जिन्होंने राजस्थान को लूटा है उन्होंने लौटाना ही पड़ेगा। साथियों, आप सबने मुझे सेवा करने का अवसर दिया है और आपने मुझे आदेश दिया है, आपके आदेश का मुझे पालन करना है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, क्या मेरा रास्ता सही है? मुझे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद करने के लिए मुझे ताकत लगानी चाहिए? लेकिन मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहा हूं तो जो जमानत पे घूम रहे हैं ना, उनका बुखार उतरता नहीं है। ये सारे नेता देखिए, कोई जेल काट करके चल जमानत पे है, कोई केस चलने पर जमानत पर है, ये सारे जमानत पर है। और वो सुबह शाम मोदी 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 करते हैं। मैंने सुना किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। जरा कान खोल करके सुन लो, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी। और फिर मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। आपने देखा है, यहां राजस्थान में सिर्फ एक लाल डायरी, एक लाल डायरी कांग्रेस के जी का जंजाल बन गई है, जी का जंजाल बन गई है।
लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करने वाली हर लाल डायरी बाहर आकर के रहने वाली है।